बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ काली मल का मसूर और चावल, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। और आजकल गर्मियों का वैसे ही सीज़न है और सब हल्का हल्का खाना पसंद करते हैं, और दाल चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं गर्मियों में। चलें चलते हैं रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि उसमें हमारी दाल आराम से गल जाए, दोबारा हमें इसमें शामिल करना ना पड़े। मैंने तकरीबन 1 लीटर के जितना पानी लिया है कि इसमें हमारी दाल आसानी के साथ गल जाएगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर सारे मसाले शामिल कर देंगे। जैसे मैंने एक प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो डालनी है हमने। इसके साथ ही हम इसके अंदर मैंने 2 टमाटर लिए हैं छोटे छोटे, उसको भी मैंने काट लिया है। 2-3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक डालेंगे हमें इसमें 1 टीस्पून। कुटी मिर्च ली है मैंने इसमें 1 टीस्पून, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया 1/2 टीस्पून। हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून। चाट मसाला भी इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। और आधा चम्मच मैंने इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच आप पिसा हुआ धनिया ले लें। इसको हमने जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता इसको हमने पकाना है। मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, अच्छी तरह से इसमें पानी उबाल आ चुका है। इसका सारा पानी मसाला पक चुका है, इसके अंदर हम दाल डाल देंगे जो मैंने 1 से 2 घंटे भिगा के रखी है दाल को मैंने, ताकि बहुत अच्छी तरह से गल जाए। मलका मसूर क्योंकि गलने में टाइम लेती है इसलिए इसको पहले 1-2 घंटे पहले भिगो दें और फिर इस तरह बॉयल करके पानी डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। अब हम इसको ढककर 20-25 मिनट तक पकाएंगे, बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। ये आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, और इसको इतने ही हमने इसी फॉर्म में रखना है, इतने ही गाढ़ा रखना है इसको। इसके साथ ही इसमें हम थोड़ी सी मैंने कैरी काट के रखी है वो डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप खट्टा खा सकते हैं तो डालें, वरना नहीं भी डालें। और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना भी डाल देंगे। इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रखेंगे, इतने हम इसके बघार की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच घी लिए हैं। ये आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम इसके अंदर ढक्कन डाल देंगे। साबुत लाल मिर्च डाली जाएगी इसके अंदर, जीरा है वो डाला जाएगा। घी से बघार दें तो बहुत अच्छा इसको जो आती है दाल में। इसमें कड़ी पत्ता भी डाल शामिल कर देंगे। मैं आपको इसको बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। ये इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं, ये तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो उसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।